मैं लाई हूँ आपके लिए ट्रेडिशनल फेस्टिवल थाली, जो है हमारी राजस्थानी थाली, और उसमें है राजस्थान की सोनी मिट्टी की खुशबू यानी दाल बाटी चूरमा। और अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि तू भी बना लेगा बहुत आसानी से इसे। वेलकम टू माय चैनल, तू भी बना लेगा। हमने एक कप आटा, आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी ली है, और इनको हम मिक्स करके इसमें थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून घी मिला लेते हैं और इसे एक अच्छा टाइट डो तैयार करने के बाद हम इस तरह से मुठिया बना लेते हैं। ये मुट्ठी से बनाई है, इसलिए मुठिया कहते हैं। देखिए, हमारी मुठिया जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, और इसे अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। हमारी मुठिया जो है ठंडी हो गई है, हम इसे किसी भारी चीज़ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तो हमें मिक्सी में पीसने में आसानी रहेगी। हमने मुठिया को ग्राइंड कर लिया है और वो कुछ इस तरह से बूरा बन गया है। तो हमारा मुठिया का जो बूरा है वो अगर 1 पार्ट है तो हम 3/4 जो है शुगर लेंगे, और 1 कप हमने जो लिया है वो खोआ है, और हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। पिस्ते हैं, किशमिश, बादाम हमने लिए हैं, कुछ 10-15 बादाम हैं, और 8-10 ही हमारे महीन कटे हुए काजू हैं, और हम डाल लेते हैं करीब 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन अभी क्योंकि लड्डू नहीं बन रहे हैं, हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। करीब हम 1.5 टेबल स्पून थोड़ा सा घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू बांधने से पहले हम थोड़े से दूध के छींटे डाल लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको लड्डू बनाने में इजी रहेगा। बस हल्के से हमें छींटे देने हैं। इस तरह से दोनों हाथों में लड्डू लेकर प्रेस करते हुए इस तरह से बना लेंगे। दाल बाटी के लिए हम दाल को सोक करेंगे पहले। तो दाल बनाने के लिए हम 50 ग्राम मूंग की दाल लेते हैं, ये करीब 50 ग्राम का है। 50 ग्राम ही हम उड़द की दाल लेते हैं, 50 ग्राम हम तुअर दाल, 50 ग्राम हम चने की दाल लेते हैं। ये करीब 8 लोगों के लिए दाल हमने सोक की है। ये हमारी दाल सोक हो गई है, अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। इसमें हम करीब 1/2 अंगुल ऊपर रहना चाहिए पानी, और आप क्वांटिटी वाइज समझ लीजिए। हमने इसमें करीब 1/4 लीटर पानी डाल दिया है, 3/4 लीटर। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून, और सॉल्ट डालेंगे हम। ये 8 मेंबर के लिए दाल बन रही है। सॉल्ट डालेंगे हम 3.5 टीस्पून। अब हम इसे प्रेशर ले लेते हैं।
दाल जब तक पक रही है हम आलू की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसे हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं और उसके बाद इसे हम तल लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम अपने आलू यहाँ पे तल लेते हैं। हरे आलू जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। हमारे आलू ये गोल्डन ब्राउन हो गए, हम इसे निकाल लेंगे। अब इसकी करी के लिए हम तैयार करेंगे। हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये सब्जी भी 1% के हिसाब से बन रही है। हम डालेंगे जीरा 1 टीस्पून, हम डालेंगे तेज पत्ता 1 टीस्पून, हम हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, हम धनिया 1 इंच का मैंने जिंजर ग्रेट करके रखा हुआ है वो डालेंगे और कुछ चिली ग्रीन चिली। ये हमारे अदरक और मिर्च अच्छे से भून गए हैं मसाले। अब हमारा ये 3 मीडियम साइज के टोमेटो का टोमेटो प्यूरी है वो हम इसमें डाल देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दें। ये मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। और करीब 1.5 ग्लास पानी हम डाल के धीमी सिम फ्लेम पर इसको पकने देंगे जब तक आलू पक नहीं जाते। अभी ये इतना डाइल्यूट है और जब ये आलू पक जाएंगे तो ये अच्छा थिक हो जाएगा। हम अब इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, मैं इसमें 2.5 टीस्पून डाल दिया। हमारी सब्जी भी अच्छी थिक हो चुकी है आलू की और आलू भी इसमें गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, काफी घर का बना हुआ है, काफी स्पाइसी है इसलिए 1/2 टीस्पून डालेंगे और थोड़ी सी हम मैश करके डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम दाल में छौंक लगा लेते हैं, तो उसके लिए पहले हमने लिया है 2 टेबलस्पून घी। घी थोड़ा दाल में अच्छा पड़ता है, देते हैं 1/2 टीस्पून डालते हैं हींग, इसमें हींग अच्छी पड़ती है। हमारा घी गर्म हो चुका है, 1.5 हम डालेंगे टीस्पून जीरा, अदरक और हरी मिर्च, मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और इसे हम तब तक भूनेंगे मसाले को जब तक ये ऑयल ये आपका घी छोड़ नहीं देता। अब इसमें घी छोड़ दिया है मसाले ने, हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला। और दाल का मसाला आता है MDH का भी आता है,
अगर आप कोई और लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे दाल का मसाला। दाल में डालेंगे और दाल को हम एक बॉईल ले लेंगे दाल को, जिससे मसाला पूरा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बॉईल हो चुकी है अच्छी तरह से और अब इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। और जब हम सर्व करेंगे तो थोड़ा सा घी का, लाल मिर्च का हम छौंक लगा देंगे। सेवई की खीर बनाने के लिए मैंने करीब 1.5 लीटर दूध जो है वो बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है और जब ये करीब 1 लीटर रह जाएगा तब तक मैं इसे खदकाऊंगी। मैंने इसमें केसर, पिस्ता, काजू और बादाम चॉप करके महीन करके इसमें डाल दिए हैं। वो करीब आप 5-5, 10-10 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं। हमने करीब 1 कप जो है वो भुनी हुई सेवई ले ली है। अगर आपके पास भुनी हुई सेवई नहीं हो तो आप घी में इसे कढ़ाई में डाल के रोस्ट भी कर सकते हैं। अब दूध हमारा खदक कर करीब 1 लीटर रह गया है। हम इसमें 1 कप सेवई भुनी हुई डाल देते हैं और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी खीर गाढ़ी हो जाए और सेवइयाँ फूल जाए। अब सेवइयाँ फूल गई हैं और खीर की अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। हम इसमें अब शुगर डाल के करीब 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। मैंने 3/4 कप जो है वो शुगर ली है। ये खीर जो है मैंने 1.5 लीटर की बनाई थी तो ये 8 से 10 लोगों के लिए खीर बनी है। अब ये हमारी सेवई की खीर कंप्लीट है। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। 4 कप हमने बाटी के लिए 4 कप आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं घी करीब 1.5 चम्मच, वन टेबल स्पून हमने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर, हमें इसे बेक करना है तंदूर में और 1 टेबल स्पून के करीब भी हम डाल रहे हैं सॉल्ट और इसे हम एक टाइट डो तैयार कर लेंगे और कुछ देर के लिए करीब आधा घंटे के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये बाटी का आटा है और मैं इसमें बाटी वैसे ऐसे भी बनती है सादी और मैं इसमें थोड़ा सा पनीर का स्टफ करके बना रही हूँ तो मैंने पनीर में थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च डाला है, बहुत ज़्यादा सा डाला है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट क्योंकि इसमें भी नमक पड़ा हुआ है और 1/2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च डाली है। तो आपको मैं बता देती हूँ हम कैसे स्टफिंग करेंगे इसकी। स्टफिंग से अंदर बाटी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने स्टफ कर लिया और इसको जैसे हम पराठा कोई स्टफ करते हैं उस तरह से और इसको इस तरह से तैयार हो गई बाटी। बाटी फिल करने के बाद हम गैस तंदूर में कुछ इस तरह से लगा देंगे। इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे और पकने के बाद यह इस तरह से दिखेगी। बाटी तंदूर में सिकने के बाद हम गर्म घी में इसे कुछ 1 मिनट के लिए सेकेंगे और अब आपकी बाटी
सर्व करने के लिए तैयार है। मैंने एक सैलेड तैयार की है जिसमें खीरा है ग्रेट करके डाला हुआ है और गाजर और कुछ करीब एक अनार के दाने हैं। इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और गार्निश के लिए हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। इसे हम मिक्स कर देते हैं। ये आपका एक अच्छी सी सैलेड तैयार है दाल बाटी के साथ। और ये हो गई आपकी फेस्टिवल थाली तैयार। अब आप भी इसे ट्राई कीजिए और चख के बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी है, और मेरे चैनल को